केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भंजली आर्यवाल, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण गुरुवार को काठीकुंड प्रखंड के मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड 19 सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें गोपी कांदर थाना के परिसर कैंप के 6 सीमा सशस्त्र बल के जवानों को भर्ती किया गया और गुरुवार से इलाज भी किया जा रहा है, जिसमें नया डेकी स्थित सन्मत संस्था के द्वारा संचालित अस्पताल के द्वारा इलाज किया जा रहा है। चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर हेमंत कुमार मुर्मू ने बताया कि मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्व में ही अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो के द्वारा कोरोना मरीजों को रखने का निर्देश दिया जा चुका है। अब कोरोना मरीजों की संख्याओं में बढ़ोतरी के कारण मधुबन में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। काठीकुंड से सुजाता कुमारी की रिपोर्ट। कुमार, सन्मत हॉस्पिटल के प्रबंधक, आज हम लोग यहाँ पे कोविड केयर सेंटर मधुबन में का शुभारम्भ हुआ है, जिसमें गोपी के अंदर में पाए गए 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिनका जांच कल हुआ था, वो आज यहाँ पे भर्ती किए गए हैं। सभी में कुछ न कुछ लक्षण पाए गए हैं, लेकिन जिनका इलाज हमारे डॉक्टर हेमंत मुर्मू, डॉक्टर सुमंत मुर्मू के द्वारा चल रहा है। कौन है लोग इनको पाया गया है? ये SSB के जवान हैं जो गोपी के अंदर में हैं पोस्टेड।